हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को मेरी तरफ से, आप सभी को। और एक आज की इस वीडियो में हम बहुत जल्दी क्विक रिवीजन करेंगे किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का। मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन के अंदर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का पूरा रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा। बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, जो वर्ड्स बोल रहा हूँ बस उसको एक बार सुनते चले जाना। कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है सीआई के इंस्टॉलमेंट का, इसमें आप ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहले आपको देखना है रेट परसेंटेज। रेट परसेंटेज कितनी है? 4%। 4% को फ्रैक्शन बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/25। तो इस रेशियो को हम यहाँ से लिखेंगे 25 से 26। 25 से कितना लिखेंगे? 26। इसके बाद हम देखें कितनी किस्तें हैं। तो उसने बोला दो बराबर किस्तें हैं, तो दो किस्तें हैं, इसका मतलब एक बार और लिखेंगे रेशियो को, लेकिन दूसरी बार लिखेंगे तो स्क्वायर करके। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, ठीक है। किस्त बराबर है तो हम इसे बराबर कर देंगे, तो इस रेशियो में हम गुणा कर देंगे कितने की भाई? 26 की, क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट को क्या करना है? बराबर। इसको हम प्रिंसिपल करार देंगे, इसको हम इंस्टॉलमेंट। 26 की गुणा यहाँ की, 26 की गुणा हम यहाँ भी कर देंगे। 26 गुणा 25 होता है 650। 650 हो गया। इसमें बराबर करने के लिए एक की गुणा करो ना करो, बात तो एक ही है, तो ये हो जाएगा 625। तो जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 1275। तो 1275 रुपये उधार लेते तो आपकी एक किस्त जाती 676 रुपए की। अगर 1275 उधार लेते तो एक किस्त जाती 676 रुपए की। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कुछ और बोला, इसने बोला साहब कि आपने 5100 रुपये उधार लिए, तो इसका मतलब 1275 की वैल्यू 5100 दी हुई है। तो इसका मतलब ये 4 गुणा है, 12 गुणा 4 48, और 75 गुणा 4 करोगे तो 300 बनेगा, इसका मतलब 5100, 4 गुणा हो गए। तो इसमें अगर हम यहाँ 4 गुणा करेंगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 गुणा 4 24 होता है, यूनिट प्लेस पर 4 होना चाहिए, तो यूनिट प्लेस पर 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसका मतलब 2704 आपका आंसर हो जाएगा। ये किस्त का एक क्वेश्चन। मैंने आपको एक मेथड थोड़ा जल्दी से क्विक रिवीजन के तरीके से करा रहा हूँ, अदरवाइज कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो आएगी चैनल पर, उसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, ध्यान दोगे इसकी तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, ठीक है। बोर्ड की तरफ आप एक बार इसे देखोगे, सबसे पहले क्या देखना है? रेट परसेंटेज देखनी है। तो रेट परसेंटेज देखो कितना है, 5% है। तो 5% को हमने फ्रैक्शन में बदला, 5% को फ्रैक्शन में कहते हैं 1/20। तो मेरे भाई प्रिंसिपल अगर 20 है तो रेशियो लिखेंगे 20 से 21, ये इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दो किस्तें बराबर देगी, दो बराबर किस्तें हैं, दो बराबर किस्तें हैं, तो दूसरी बार में स्क्वायर करके लिखेंगे। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 लिखेंगे, तो इसको हम बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए इसमें 21 की गुणा, इसमें भी 21 की गुणा, तो 21 गुणा 2 42, मतलब 420। तो इसमें तो एक की गुणा करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे बात बराबर होगी, तो मतलब ये होगा 400। तो अगर आप 820 रुपये उधार लेके आते, मतलब प्रिंसिपल 820 रुपये होता, तो आपकी एक किस्त की वैल्यू होती 441। आपकी एक किस्त की वैल्यू कितनी होती? 441। क्वेश्चन में देखेंगे जनाब किस्त की वैल्यू या फिर पैसे की वैल्यू दी होगी। इसने बोला उसने 8820 रुपए की दो किस्त दी, मतलब 8820 की पहली, 8820 की दूसरी। तो इस किस्त की वैल्यू दी हुई है 8820 रुपए। तो क्या आप यहां कहोगे कि सर 20 टाइम्स होगा, क्योंकि 441 गुणा दो 882, तो इसको भी 20 गुणा कर दोगे। अगर आपने इसको 20 की गुणा किया तो मतलब 16400 आपने मतलब इतने रुपए उधार लिए थे। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे? प्रिंसिपल पूछेगा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। कई बार आपसे क्या पूछेगा? इंस्टॉलमेंट, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे इंस्टॉलमेंट पूछी थी, मतलब यहां प्रिंसिपल गिवन था और इंस्टॉलमेंट आपसे पूछी थी। इस क्वेश्चन में क्या हुआ? इसमें इंस्टॉलमेंट गिवन है और प्रिंसिपल आपसे पूछा गया। तो 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया, दो किस्त है, 8 से 1/3% रेट है, 338 रुपए की दो बराबर किस्तें दी गई। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जैसे दो मैंने कराया उसी के बेस पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।